इसी तरीके से बाप की दुआ औलाद के लिए, यानी उसके फायदे के लिए, और इसी तरीके से बददुआ भी। और रोज़ेदार की दुआ रोज़े वाले दिन के अंदर, और ऐसे ही मुसाफिर की दुआ। और इस ताल्लुक से रिवायतें जो पाई जाती हैं, सलासु दावातिन ला तुरत, तीन किस्म की दुआएं हैं जो रद्द नहीं की जाती। दावतुल वालिद लिवलदिही, वालिद की दुआ अपने बच्चे के लिए। वलद से यहाँ मुराद लड़का हो या लड़की, दोनों को शामिल है। वह दावतुस्साइम, और रोज़ेदार की दुआ। वह दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ। ये बैहक़ी की रवायत है, अल्लामा अल्बानी ने इसे सहीहा में ज़िक्र किया है। और दूसरी रवायत में है दावतुल मज़लूम, वह दावतुल मुसाफिर, वह दावतुल वालिदी अला वलदिही, तो उसके नफ़ा के लिए दुआ हो, औलाद के नफ़ा के लिए दुआ हो, या औलाद के नुकसान के लिए दुआ हो, जिसे बददुआ कहते हैं। कुछ भी अगर वालिदैन में से किसी की तरफ से दुआ या बददुआ की जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो काबिले कबूल हैं।